हेलो बॉलीवुड लवर्स, आज आप और हम मिलकर पूरे पूरे 1 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं, यानी सब्सक्राइबर हो गए हैं 1 लाख से ज्यादा। तो हम कहते हैं आपको बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और आज इसीलिए हम विशेष तौर पर लाए हैं एक विशेष बायोग्राफी, भारत के पहले सुपरस्टार की बायोग्राफी। आप सोच रहे हैं राजेश खन्ना? नहीं, पहले सुपरस्टार KL सहगल साहब। आइए जानते हैं उनके बारे में। बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी। आज व्यूअर्स की पसंद पर हम लाए हैं ये बायोग्राफी। एक ऐसा गायक जो था भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार, एक ऐसा सिंगर जिससे लता मंगेशकर चाहती थी करना शादी, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया, एक ऐसा गायक जिसने अपना हारमोनियम सिंगर मुकेश को भेंट कर दिया, एक ऐसा सिंगर जो था पहला प्लेबैक सिंगर जिसकी फैन फॉलोइंग थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर और मुकेश। उनकी आवाज गूंजी गली गली कूचों कूचों से महल। ही इज नन अदर देन ग्रेट सिंगर एंड एक्टर KL सहगल। KL सहगल का पूरा नाम है कुंदन लाल सहगल। इनका जन्म 11 अप्रैल सन 1904 को जम्मू में हुआ था। जम्मू में इनके पिताजी जम्मू और कश्मीर के राजा की अदालत में तहसीलदार थे। उनका नाम था अमरचंद सहगल और इनकी माँ थी केसरबाई सहगल। वो एक बहुत ही धार्मिक हिंदू महिला थी और उन्हें संगीत का बहुत शौक था और इसी कारण वो अपने पुत्र कुंदन को धार्मिक कामों में ले जाया करती थी, जहां पर शास्त्रीय भारतीय संगीत के साथ साथ पारंपरिक शैली में भजन, कीर्तन और शब्द गाए जाते थे। इसी संगीतमय वातावरण का केएल सहगल पे बहुत प्रभाव पड़ने लगा और इसी माहौल के चलते जब जम्मू में रामलीला होती तब वहां पर शिरकत करते थे केएल सहगल। बचपन से ही रामलीला में सितार बजाया करते थे। यूं तो इनका कोई भी गुरु नहीं रहा, संगीत की शिक्षा किसी से भी नहीं ली, लेकिन सबसे पहले उन्हें सूफी संत सलमान यूसुफ ने संगीत से रूबरू करवाया था। सहगल की पहली गीत प्रस्तुति थी 12 साल की उम्र में, जब उन्होंने राजा के दरबार में गीत गाया था। 13 साल की उम्र में जब केएल सहगल की आवाज में थोड़ा बदलाव आने लगा तो वो काफी डर गए, यहां तक कि उन्होंने महीनों तक कुछ मुंह से बोला तक नहीं। इससे परेशान होकर उनके परिवार वाले उन्हें एक संत के पास ले गए और उस संत ने सहगल को रियाज करने की सलाह दी और रियाज करते करते कुछ सालों में सहगल पंकज मलिक और पहाड़ी सान्याल जैसे संगीतकारों की तारीफ पाने लगे। हर कोई उन्हें कहता था आप बहुत अच्छा गाते हैं। संगीत में रमने के साथ साथ में सहगल ने पढ़ाई से किनारा कर लिया। उन्हें पहली नौकरी मिली रेलवे में, वो थी एक टाइम कीपर की नौकरी। वहां पर काम करते करते उनको दूसरा ऑफर मिला रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी की तरफ से, जहां पर उन्हें सेल्समैन की नौकरी मिली और यही सेल्समैन की नौकरी उन्हें ले गई संगीत की दुनिया की तरफ। जब रेमिंगटन टाइपराइटर मशीन के प्रचार के लिए ये जगह जगह पर जाते थे तो इन्हें पूरा भारत घूमने का मौका मिला। एक बार जब ये टाइपिंग मशीन के प्रचार के लिए अनारकली बाजार लाहौर गए तब वहां पर इनकी मुलाकात हुई मेहर चंद जैन से, वो भी गीत संगीत को पसंद किया करते थे। नौकरी के दौरान सहगल के लिए संगीत एक शौक से ज्यादा कुछ नहीं था और सहगल भी दोस्तों के बीच महफिलों में गाना गाया करते थे और मेहर चंद जैन हमेशा उन्हें कहते थे भाई सहगल तुम भी गाओ, तुम बड़ा अच्छा गाते हो। और फिर ये दोनों दोस्त कलकत्ता आ गए। केएल सहगल ने थोड़े समय के लिए होटल मैनेजर के रूप में भी काम किया था और इस बीच उनके गायन का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था और समय बीतते बीतते संगीत का असर ऐसा छाया कि बाद में सिर्फ जीवन में संगीत रहा और सब कुछ छूट गया। उन्हें शोहरत मिलने लगी और गायकी के साथ साथ अदाकारी के भी ऑफर मिलने लगे केएल सहगल को। क्लासिकल म्यूजिशियन और म्यूजिक डायरेक्टर हरिश्चंद्र बाली को केएल सहगल बहुत पसंद आए। उन्होंने केएल सहगल को कलकत्ता में
बीएन सरकार से मिलवाया और उन्होंने फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर में सहगल को 200 रुपए मासिक वेतन पर रख लिया और वहीं पर इनकी मुलाकात हुई संगीतकार आरसी बोराल से। संगीतकार आरसी बोराल भी इनकी गायकी से बहुत प्रभावित हुए। इन्हीं दिनों में इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने सहगल के कुछ पंजाबी गानों को भी रिकॉर्ड किया और रिलीज हुआ वो रिकॉर्ड। केएल सहगल की आवाज को पहली बार म्यूजिक का निर्देशन मिला तो वो था हरीश चंद्र बाली का और धीरे धीरे सहगल अपनी पहचान बनाने लगे। 1932 में वो फिल्म आई जिससे इन्होंने डेब्यू किया। उस फिल्म का नाम था मोहब्बत के आंसू और इसके बाद दो और फिल्मों में एक्टिंग की, सुबह का सितारा और जिंदा लाश, पर ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। ये सभी 1932 में रिलीज हुई थी और इन तीनों फिल्मों में इनका नाम था सहगल काश्मीरी। फिर 1933 में उन्होंने फिल्म यहूदी की लड़की में अपना नाम बदलकर केएल सहगल रख दिया, यानी कुंदन लाल सहगल, और उनके करियर की पहली हिट फिल्म थी यहूदी की लड़की। इसके बाद चंडीदास, रूपलेखा और कारवाए हयात फिल्म में इन्होंने काम किया और सन 1935 में पीसी बरुआ की फिल्म देवदास में देवदास का किरदार ऐसा निभाया कि लोग दीवाने हो गए। इसमें गाए उनके गीत बालम आए बसो और दुख के दिन अब बीतत नाहीं, ये भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर कहे जाते हैं और देवदास उनकी पहली सुपरहिट फिल्म बनी, इसीलिए केएल सहगल को सुपरस्टार माना जाता है। सहगल पहले गायक कलाकार थे जिन्होंने अपने गानों पर रॉयल्टी शुरू की थी। उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, तमिल और पर्शियन भाषा में भी गीत गाए थे। साल 1932 से लेकर 1946 के सिनेमा के समय को सहगल युग के नाम से जाना जाता है। उस वक्त सिर्फ केएल सहगल का राज था। केएल सहगल को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी माना जाता है। राजेश खन्ना दूसरे सुपरस्टार हैं। दो दशक यानी 20 साल के अपने फिल्मी करियर में केएल सहगल ने 142 हिंदी फिल्मी गीत गाए और 43 गैर फिल्मी गीत गाए। न्यू थिएटर्स के साथ इन्होंने और कई फिल्मों में काम किया जिनमें फिल्में रही बंगला फिल्म दीदी, हिंदी फिल्म प्रेसिडेंट जो 1937 में आई, देशर माटी बंगाली फिल्म रही, धरती माता हिंदी फिल्म रही, ये फिल्में 1938 में आई, साथ ही बंगाली फिल्म थी और स्ट्रीट सिंगर हिंदी फिल्म थी, ये भी फिल्म 1938 में रिलीज हुई। दुश्मन और जीवन मरण 1939 में आई और 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इन सभी फिल्मों में सहगल लीड रोल में लीड हीरो के तौर पर नजर आते रहे। उस वक्त के कई गाने गोल्डन ईरा के गाने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की रिच हेरिटेज है। इनमें स्ट्रीट सिंगर फिल्म का एक गाना था बाबुल मोरा नहियर छूटा जाए। इस गाने में केएल सहगल ने कैमरे के सामने एक्ट भी किया था और ये गीत भी गाया था। उस वक्त फिल्मों में हीरो वही होता था जो गाना भी गाना जानता हो। हालांकि थोड़े ही समय में प्लेबैक सिंगिंग की भी शुरुआत हुई और ये भी शुरुआत हुई केएल सहगल से। सहगल ने गीत गाए जब दिल ही टूट गया, दिया जलाओ, चाह बर्बाद करेगी, ख्याल, ठुमरी, चैती, दादरा, बाबुल मोरा, नैहर छूटा जाए और गम दिए मुस्तकिल, ऐसे गाने गा दिए कि दुनिया दीवानी हो गई। केएल सहगल ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ बंगाली और तमिल भाषा की फिल्मों में काम किया। बंगाली भाषा के सिनेमा में भी उनका नाम खूब चला। साल 1937 में आई उनकी पहली बंगाली फिल्म दीदी। इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। केएल सहगल पंजाबी थे इसलिए एक बार तो उन्हें बंगाली फिल्मों में गाना गाने और एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद केएल सहगल ने ऐसा मकाम बनाया कि उनके बंगाली गायन को पूरी दुनिया में खूब पसंद किया गया और उनके फैन हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने सहगल की तारीफ करते हुए कहा था, तुम्हार गला कत सुंदर, तुम्हारा गला इतना सुंदर है। सहगल ने कुल 30 बंगला गाने गाए जो कि काफी लोकप्रिय रहे। केएल सहगल थे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पहले प्लेबैक सिंगर। उसके पीछे भी ये एक रोचक कहानी है। 1936 में नितिन बोस निर्देशित फिल्म धूप छांव के दो गाने खास चर्चित रहे थे। एक दिन बोस सुबह सुबह पंकज मलिक से मिलने
उनके घर पहुंचे, जहां वो नहाते हुए कोई गाना गा रहे थे और वो भी गाना रेडियो पर चल रहा था और उस गाने से सुर मिलाकर सुर गा रहे थे। इसके बाद नितिन ने मलिक को सुझाव दिया कि जिस तरह से ये रेडियो से आवाज मिलाकर गाना गाया जा रहा है, उसी तरह हम एक प्रयोग फिल्मों में भी करके देखते हैं कि गाने की रिकॉर्डिंग पहले ही कर लें और उसके बाद फिल्मांकन के समय अभिनेता रिकॉर्डिंग को सुनकर उसके अनुसार अपने होठ हिला दे और अभिनय कर दे। और इस तरह सहगल की इस फिल्म से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई और पहले प्लेबैक सिंगर हुए के.एल. सहगल। ये गाने थे अंधे की लाठी तू ही है और जीवन का सुख। के.एल. सहगल की आवाज की लोकप्रियता का ये आलम था कि एक समय पर भारत के सबसे ज्यादा मशहूर रहे रेडियो सियोल में कई सालों तक हर सुबह 7:57 पर सिर्फ के.एल. सहगल का ही गीत बजता था। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार, गायक इनके फैन होते थे। इनमें फैन रहे मुकेश, रफी, किशोर। उन्होंने आदर्श माना सहगल साहब को। मुकेश और किशोर ने अपने करियर के आरंभ में सहगल की शैली में गायन शुरू किया था। मोहम्मद रफी साहब तो एक बार नौशाद साहब के पास गए और कहा कि मैं के.एल. सहगल साहब के साथ एक गाना गाना चाहता हूँ। नौशाद ने फिर अपनी फिल्म शाहजहां में रूही रूही मेरे सपनों की रानी ये दो लाइन रफी से गवाई थी। बहुत से लोग के.एल. सहगल को कॉपी किया करते थे, उनमें से एक नाम है मशहूर गायक मुकेश। मुकेश ने जब के.एल. सहगल को कॉपी करना शुरू किया तो उनके गीत बड़े प्रसिद्ध रहे, जैसे ये सुपरहिट हुआ। गायक मुकेश ने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया था कि आज भी कुछ लोग इसे सहगल का गाना ही समझ लेते हैं, जबकि ये गाना मुकेश ने गाया था। सहगल साहब ने जब ये गाना सुना तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुकेश को बुलाकर खुश होकर कहा कि तुम वास्तव में बहुत अच्छे सिंगर हो, और अपना हारमोनियम उन्होंने मुकेश को गिफ्ट में दे दिया। लता मंगेशकर बचपन से ही अपने पिताजी के साथ सहगल के गाने सुना करती थी। वो उनकी ऐसी दीवानी थी कि उनसे शादी करना चाहती थी। लता मंगेशकर ने सहगल की फिल्म चंडीदास को देखकर कहा था कि मैं सहगल से शादी करना चाहती हूँ। एक बार लता मंगेशकर ने इस बारे में बताया था कि जितना मुझे याद आता है, मैं हमेशा से के.एल. सहगल से मिलना चाहती थी। बच्चे के तौर पर हमेशा कहा करती थी, जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं के.एल. सहगल से ही शादी करूंगी। तब मेरे बाबा मुझे समझाते थे कि जब तुम शादी करने जितनी बड़ी हो जाओगी, तब तक वो शादी की उम्र पार कर चुके होंगे। लता मंगेशकर को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि वो जीवन में कभी भी के.एल. सहगल से मिल नहीं पाई। फिर 1941 में सहगल मुंबई आ गए। कारण था रणजीत मूवी टोन्स के साथ काम करना, और यहाँ पर इन्होंने उनके साथ कई सफल फिल्मों में काम किया और साथ ही साथ गीत भी गाए। भक्त सूरदास 1942 में और तानसेन 1943 में सुपर हिट रही। फिर सहगल मुंबई से वापस कलकत्ता आ गए, क्योंकि इन्हें न्यू थिएटर्स में माय सिस्टर फिल्म की शूटिंग करनी थी। सहगल की शराब की लत के कारण उनका काम और सेहत दोनों पर ही दुष्प्रभाव आने शुरू हो गए। कहते हैं नशा संगीत का हो तो अच्छी बात, लेकिन शराब का हो तो बहुत बुरी लत हो जाती। सहगल साहब का शराब पीना भी बहुत चर्चित था। शराब पिए बिना कोई गाना वो रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। शाहजहां फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड किया जाना था। संगीतकार थे नौशाद। नौशाद की एक जीवनी है जिसका नाम है जर्रा जो आफ्ताब बना। उसमें लिखा हुआ है, शूटिंग शुरू हो चुकी थी। नौशाद साहब और मधोक साहब अपने कमरे में बैठे थे, तभी एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। मधोक साहब ने नौशाद साहब से उनका परिचय करवाते हुए बताया, ये के.एल. सहगल जी हैं। फिर शाम 6 रिकॉर्डिंग शुरू हुई। नौशाद साहब ने कुर्सी मंगवा कर रखी तो सहगल साहब बोले, तख्त लाइए, मैं तख्त पर बैठकर गाता हूँ। फिर तख्त लाया गया और रिकॉर्डिंग के दौरान सहगल 8 पी गए। नौशाद साहब सहगल के साथ
पहली बार काम कर रहे थे। वो ये सब देखकर काफी हैरान हो रहे थे। रात के 2-3 बज गए। नौशाद साहब ने सहगल साहब से विनती की कि अब आप भी आराम कीजिए, रिकॉर्डिंग कल करेंगे, म्यूजिशियंस काफी थक गए हैं। ऐसे थे के.एल. सहगल साहब। नौशाद साहब और के.एल. सहगल का शराब को लेकर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब नौशाद साहब ने शाहजहां फिल्म में के.एल. सहगल को गीत गाने के लिए आमंत्रित किया, तब उनकी जिद थी कि आप शराब पीकर नहीं गाएंगे। के.एल. सहगल ने बहुत कहा, नहीं मैं शराब पिए बिना नहीं गा सकता, लेकिन नौशाद साहब की जिद के चलते उन्होंने बिना शराब पिए एक गाना गाया। उसी गीत को वापस से गाने का इन्होंने आग्रह किया और कहा इस बार मैं शराब पीकर गाऊंगा। जब शराब पीकर उस गीत को वापस गाया के.एल. सहगल ने, तब के.एल. सहगल को एहसास हो गया कि वो अच्छा नहीं गा रहे हैं, बिना पिए तो उनका गीत ज्यादा बेहतर है। इस बात को लेकर सहगल बहुत भावुक हो गए। उन्होंने नौशाद साहब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मियां नौशाद, अगर तुम मुझे इस काम के लिए पहले मना पाते तो बेहतर होता। अब तो बहुत देर हो गई, अब तो शराब मुझे पी चुकी है और जिंदगी मेरी मुट्ठी से फिसलने लगी। और वास्तव में यही बात थी, शराब उन्हें अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थी। सहगल की 5 हिट गानों में से गाने रहे जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, बाबुल मोरा नहीं अर छूटा ही जाए, एक बंगला बने न्यारा, सोजा राजकुमारी सोजा, गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल। सहगल ने अपनी जवानी में ही एक बच्ची को गोद ले लिया था। ये बच्ची थी दुर्गेश नंदिनी, जो कि इनके भाई की बेटी थी। फिर सन 1935 में आशा रानी से इन्होंने शादी कर ली। इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था मदन मोहन, और 2 बेटियां हुई, नीना और बीना। इस तरह इनके 4 बच्चे हुए। आपको बता दें, ये वो मदन मोहन नहीं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके बेटे मदन मोहन कोई और रहे हैं। उनका नॉन फिल्मी पहला एल्बम था झूला ना झुलाओ री। इस एल्बम के 5,00,000 रिकॉर्ड बिके थे उस जमाने में, और बड़ी बात यह थी कि उस वक्त बहुत कम लोगों के पास में रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे। इतने महान गायक और अभिनेता का सिर्फ एक ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हुआ, ये बड़ी अचरज की बात है। 24 जनवरी सन 1947 को बंबई से निकलने वाली साप्ताहिक युगांतर में छपा था इनका पहला इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू युगांतर के चीफ एडिटर वामन वासुदेव ने लिया था। उनका सहगल तक पहुंचना भी एक लंबी कहानी है। वो पहले अपने दोस्त जीएन जोशी के पास गए, जो कि मराठी सिंगर, रेडियो अधिकारी और सहगल के दोस्त थे। उन्होंने सहगल से बात की और फिर सहगल जब राजी हुए तब जाकर कहीं एक इंटरव्यू ले पाने में कामयाब हुए, और यही एकमात्र इंटरव्यू के.एल. सहगल का पूरी दुनिया में आज तक मौजूद है। खाना खिलाने और खाने के भी बड़े शौकीन थे सहगल साहब। मुगलई मीट डिश वो बहुत चाव से बनाते थे और स्टूडियो में ले जाकर साथियों को भी खिलाया करते थे। यही नहीं, आवाज की चिंता की उन्हें परवाह नहीं थी। वो आचार भी खाते थे, पकौड़े और तली हुई चीजें भी खूब खाया करते थे। सिगरेट के भी जबरदस्त शौकीन थे के.एल. सहगल। लेकिन बीवी का टीवी आपको कभी भी ये नसीहत नहीं देता कि आप शराब और सिगरेट का सेवन करें, इसके बिना भी आप अच्छे गायक बन सकते हैं। बहरहाल, सहगल साहब ने गालिब की करीब 20 गजलों को अपनी आवाज दी थी। गालिब से इसी मोहब्बत के कारण उन्होंने एक बार उनकी मजार की मरम्मत भी करवाई थी। इनकी इज्जत करने वालों में जाने माने एक्टर दिलीप कुमार भी शामिल थे। एक बार उन्होंने के.एल. सहगल के बारे में कहा, उस जमाने में फिल्मों में काम करने वाले लोगों को लोग इज्जत की नजरों से नहीं देखते थे। कुंदन लाल सहगल उन चुनिंदा हस्तियों में से हैं जिन्होंने इस कला को समाज के पटल पर स्थान दिलाया है। जब कभी भी हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को देखा जाएगा तो के.एल. सहगल का नाम उन चंद हस्तियों में पाया जाएगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक अलग मकाम तक पहुंचाया। लेकिन इस महान अभिनेता और गायक का लंबा समय भारतीय सिनेमा नहीं देख पाया। साल था 1947, जगह थी जालंधर,
और तारीख थी 18 जनवरी। 18 जनवरी सन 1947 को जालंधर में महज 42 साल की उम्र में ही ये सशक्त अभिनेता और महान गायक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पंद्रह साल के करियर में 36 फिल्में की के.एल. सहगल ने, जिनमें 7 बंगाली, 1 तमिल और बाकी हिंदी फिल्में रही। इनकी आखिरी फिल्म 1947 में परवाना रिलीज हुई। के.एल. सहगल अपनी जिंदगी भर यही कहते रहे कि आज वो जो कुछ भी है मेहर चंद जैन के प्रोत्साहन और शुरुआती समर्थन के कारण है। उनकी मौत के बाद बी.एन. सरकार ने उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था अमर सहगल। सहगल वास्तव में अमर हैं। इस महान सुपरस्टार को बीबी का टीवी सलाम करता है। ऐसी ही बायोग्राफीज जानने के लिए देखते रहिए बीबी का टीवी। आप किन किन की बायोग्राफीज देखना चाहते हैं उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। जल्द ही आपकी पसंदीदा बायोग्राफी आप तक पहुंचाई जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताते रहिए कैसा लगता है आपको ये चैनल। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।